हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान ग्लोरी। आज हम फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है शेप्स यानी आकृति। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ शेप्स एंड एरिया। जैसे कि आप सब जानते होंगे, बहुत टाइप के एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दोनों एक ही होते हैं, टोटल सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम। हम सारे शेप्स के जानेंगे और उनकी डेफिनेशन जानेंगे कि किस शेप्स को हम कैसे पहचान सकते हैं, क्या उनके अंदर खूबियां होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला शेप्स लेंगे हम स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहली आकृति हमारे पास है स्क्वायर, हिंदी में वर्ग कहते हैं। चलिए जानते हैं स्क्वायर होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। कैसे पहचानेंगे? इसकी जो जितनी भी साइडें होती हैं, चार साइडों का होता है स्क्वायर। वर्ग चार साइडों का होता है। इसकी जितनी भी साइड होंगी, 1, 2, 3, 4, ये चारों एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। ए हमने यहाँ पे लिख रखा है साइड्स, कुछ हमने नंबर नहीं लिया। ए मतलब साइड है, इतना ए सेंटीमीटर का ये साइड है। तो क्या इसका वो होता है कि जितने भी साइड होंगी वो बराबर होंगी और इनके जितने एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। चलिए देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है। दोस्तों, परिमाप का मतलब है दोस्तों, ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री का सम। देखिए जो बाउंड्री है ना, इसका ये जो बाउंड्री है अंदर का कमाई, ये सिर्फ बाउंड्री हमें लेना है, उसको हम परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो वो होता है दोस्तों 4a। 4a मतलब आप देख लीजिए, सबको जोड़ देना है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a हो जाएगा। तो इसको हम पेरीमीटर, परिमाप निकालते हैं स्क्वायर का। उसके बाद देखिए दोस्तों एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब एरिया क्षेत्रफल मतलब ये सारा एरिया हमें लेना है, जो भी स्क्वायर के अंदर जितना भी इंटीरियर पार्ट है वो सब लेना है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। जैसे आपको दे रखा होगा 4 सेंटीमीटर किसी वर्ग की 1 सेंटीमीटर भुजा का, मतलब एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो उसका एरिया निकालिए। तो हम उसका 4 सेंटीमीटर है एक भुजा मतलब साइड, तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए एक चीज होता है दोस्तों, इसमें हमको देखना होगा कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल देखिए, जो एक एंड से दूसरे एंड के बीच, आपसे पूछ लेगा डायगोनल निकालिए स्क्वायर का। डायगोनल का फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। बी से डायगोनल, इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों √2a। समझिए, हमें साइड दे रखा है ए 4 सेंटीमीटर, पूछेगा कि डायगोनल निकालिए, तो √2a लगा देना, ए की जगह 4 लिख के उसको सोल्व कर देना है। ये है पूरा स्क्वायर दोस्तों। चलिए अगले आकृति, अगले शेप की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगली शेप हमारे पास रेक्टेंगल, हिंदी में आयत। देखिए क्या होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में, आयत में, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, जैसे ये और ये, ये और ये। स्क्वायर में क्या होता था, सारी भुजा बराबर। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये और ये बराबर होती हैं, और ये आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। और जो एंगल होता है इसमें भी सारे सारे एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। चारों एंगल दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री के होते हैं। चलिए पेरीमीटर की बात करते हैं, परिमाप की बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो पेरीमीटर होता है दोस्तों 2 (l+b)। अब देखिए ये पेरीमीटर बना, ये मतलब कहीं से बना नहीं है फॉर्मूला। हमने स्क्वायर में क्या किया था, सार पेरीमीटर के लिए बाउंड्री को तो जोड़नी है, तो हमने सबको जोड़ना है बस पेरीमीटर के लिए। जैसे देखिए, हमने मान लिया कि, अब चलिए मान लेते अपने आप से कि ये एल, ये भी एल, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। पेरीमीटर के लिए मैंने आपको क्या कहा था, सिर्फ जोड़ना है सबको, चारों चारों साइडों को जोड़ लीजिए, ये बराबर होंगे। तो एल प्लस एल 2l,
ब्रेथ प्लस ब्रेथ, बी प्लस बी, टू बी, ठीक है। अब टू कॉमन ले लीजिए इस पे, एल प्लस बी, या के पेरीमीटर परिमाप पास जोड़ना है। उसके बाद एरिया की बात करते हैं दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने स्क्वायर में क्या किया था, साइड को साइड से मल्टीप्लाई, यहाँ भी साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ है वहां पर, दोनों बराबर थे, दोनों साइड बराबर होती है, तो स्क्वायर हो जाएगा। नेम बरा संख्या बराबर होगी, नंबर बराबर होंगे, तो चार जैसे आप कहेंगे 4 × 4, तो 4 का स्क्वायर ही तो हो जाएगा। तो ऐसे सेम यहाँ पे साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल इंटू बी। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों डायगोनल की, डायगनल पूछ लेंगे कि क्या डायगनल निकालिए। तो ये देखिए, ये जो शेप बन रहा है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है दोस्तों, और ये 90 डिग्री, ठीक है। अब तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा दोस्तों, राइट ट्रेंगल एंगल बन रही हो रहा है, ये 90 डिग्री है, इसके सिम में हाइपोटेनियस और ये दो साइड्स। तो हम कैसे निकालते थे ये हाइपोटेनियस के लिए फॉर्मूला, लिख लीजिए अंडर रूट ब्रेथ का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला हमने वहां भी लगाया था, वहां पे साइडें बराबर हो जाएंगी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, ये हो गया डायगोनल। चलिए अगले शेप की तरफ चलते हैं। अगली शेप है दोस्तों हमारे पास सर्कल, वृत्त। सर्कल में दो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं दोस्तों, डायमीटर एंड रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर, सर्कल के सेंटर से एक लाइन जब आप खींचेंगे, जैसे ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से एक लाइन आप अगर ऐसा बनाइए कि वो सर्कल के इसको टच करे, तो ये हो गया दोस्तों रेडियस। ये होता है हमेशा सेंटर से, और ये सारे एक दूसरे के बराबर होंगे, रेडियस एक दूसरे के बराबर होंगे, कहीं से भी आप घेच लीजिए, मतलब यहाँ से घेचिए ये बराबर होगा, सब बराबर होंगे एक दूसरे के। और डायमीटर होता है दोस्तों सेंटर से सबसे सबसे बड़ी कोण होती है दोस्तों, जो सेंटर से पास होती है, और दो पॉइंट को मिलाने से बनती है सर्कल के अंदर, वो भी सेंटर से पास होगी, सबसे बड़ी कोण होती है दोस्तों। तो देख एरिया की बात करते हैं, एरिया दोस्तों पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 आपको पता होगा, इसी को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 3.14, ठीक है। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस और पैरामीटर दोनों एक ही है, हम सर्कल में पैरामीटर नहीं सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो देख लीजिए 2πr, ठीक है दोस्तों, सर्कल का पेरीमीटर 2 2πr दोस्तों। अब बात करते हैं कि अगर जैसे डायमीटर हमें दे रखा होगा, तो कोई पूछेगा कि रेडियस निकालिए, तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है दोस्तों। जैसे डायमीटर हमें दे रखा होगा 10, तो रेडियस हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। इसलिए रेडियस आप ऐसे भी ये भी लिख लेंगे, रेडियस इज इक्वल टू d/2, डायमीटर का आधा। समझ गए सर्कल, चलिए अगले शेप की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली शेप दोस्तों हमारे पास है ट्रायंगल, हिंदी में त्रिज्या। चलिए देखते हैं, ट्रायंगल को ट्रायंगल क्यों बोलते हैं दोस्तों, आपको पता है, ट्रायंगल, ट्राय मतलब तीन, एंगल कोण, तीन कोण होते हैं, इसलिए इसको ट्रायंगल बोलते हैं। समझ गए दोस्तों, चलिए एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये अगर सबसे अच्छा हम कहाँ यूज करेंगे, तो ट्रायंगल दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं, तो ये जो एरिया है ये हम राइट ट्रायंगल में यूज करेंगे, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में, तो वो बहुत सुटेबल होगा, क्योंकि वहाँ बेस भी आसानी से पता चल जाएगा और हाइट भी आसानी से पता चल जाएगा। चलिए पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर मैंने आपको कहा कि ये जो बाउंड्री होती है उनको सबका जोड़ होता है, तो पैरामीटर इन सबको जोड़ देना है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। अच्छा, अगर ये वाला एरिया मतलब
जैसे ऐसा ट्रायंगल को दे रखा है ये ट्रायंगल, तो इसमें आपको पता ही चलेगा बेस कौन सा हाइट कौन सा है। ये तो आप इस 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में आसानी से पता कर लेंगे। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक उसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला दोस्तों, जहां से आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। स्पेलिंग ग्रोथ हो जाती है देख लेना। हीरोन्स फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, अंडर रूट एस, ये बताऊंगा एस क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये ए बी सी साइड हो गए दोस्तों, एस माइनस सी। ठीक है, एस का निकाल, एस निकालने का फॉर्मूला दोस्तों, जितने भी साइड को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, और दो से डिवाइड कर दीजिए। ये इससे आप आसानी से कोई सा भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये आपका 10th में इस्तेमाल होता है दोस्तों, ये हम 10th के बेसिस पे ही वीडियो बनाए हैं। चलिए अगले शेप की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों पांचवा शेप हमारा है क्यूब। अब हम 3D शेप्स में आ गए हैं, इन सबको हम 3D शेप बोलते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, साइलेंडर, कोन, स्पेयर, ये सब 3D शेप होते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं, इनमें दो तरह की एरिया होते हैं दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया ही बोलते हैं दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया को दोस्तों हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों अलग है। हिंदी में आप इसे वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया को और लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में दोस्तों वर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए दोस्तों, तो चलिए कर्व सरफेस एरिया देखते हैं होता क्या है। इसको हम 4a² a, आप जान गए साइड, ये इसमें भी सारी साइडें बराबर होती हैं क्योंकि ये स्क्वायर का ही 3D पिक्चर है। तो यहाँ पे ए हमने साइड लिया है, तो 4a² टोटल सरफेस एरिया, 6a² वॉल्यूम साइड की क्यूब, वहां पे एरिया मतलब एरिया क्या होता था स्क्वायर में, ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर, यहाँ पे वॉल्यूम कर देंगे साइड की क्यूब, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होते हैं, तीन डायमेंशन डायमेंशन तीन 3D हो गए ना, 3D। चलिए दोस्तों अब हम 3D शेप्स में आ गए हैं। 3D शेप किसको बोलते हैं, जो 3D हो, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज हो, और कौन कौन से होते दोस्तों, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फेयर, साइलेंडर, इन सबको हम 3D शेप्स बोलते हैं। चलिए इनमें एरिया तो होता है, लेकिन दोस्तों एरिया होता है लेकिन दो तरीके से होते हैं इसमें, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम हिंदी में वर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम को आयतन। वॉल्यूम का मतलब होता है दोस्तों कितना सामान उसके अंदर आ सकता है। जैसे आप देख लीजिए, ये एक दोस्तों देख लीजिए, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, अब ये पूरा ओपन है, अब इसके अंदर कितना सामान डाला जा सकता है, इसके अंदर कितने सामान को भरा जा सकता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, इसके अंदर कितना पानी डाल सकते हैं, तो वो इसका वॉल्यूम हो गया। समझ गए दोस्तों। चलिए जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोस्तों एक ही होता है। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही होता है। तो जो क्यूब होता है वो स्फीयर का ही 3D शेप होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, 4a² ए क्या है साइड, यहाँ पे तीनों साइड बराबर होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होते हैं, तो 4a² टोटल सरफेस एरिया, 6a² वॉल्यूम साइड की क्यूब, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले शेप की तरफ चलते हैं, और आप देखिए बात, ये 10th का ही टॉपिक है दोस्तों, और इसमें एक और बात देखिए कि जैसे आपको दे रखा होगा, आपको डायरेक्ट नहीं देता क्वेश्चन
कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकाले, ये इसका हाइट है, ब्रेथ है और लेंथ है। हमें आपको कह रखा होगा कि इसका एरिया निकालिए चारों तरफ का, ऊपर का जो पार्ट है वो खाली है, खुला हुआ है। जैसे आपने देखा होगा वो इसी बॉक्स को देख लीजिए दोस्तों। जैसे देखिए, आप बोलेगा कि एरिया निकालिए चारों तरफ का और बॉटम का एरिया और चारों तरफ का एरिया निकालिए, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है वो खुला हुआ है। तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला लगा है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए दोस्तों, जब आपको इस पूरे का नहीं निकालना ना, ये पूरे का, ये क्यूबॉइड का एक शेप है, जब आपको ये पूरे का नहीं निकालना तो उस समय हम टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल लेंगे। तो आपको क्या कहा है कि कर्व सरफेस एरिया, मतलब आपको क्या कहा है कि चारों तरफ का एरिया निकालिए और बॉटम का एरिया। तो ये क्यूबॉइड मैंने कहा, तो क्यूबॉइड रेक्टेंगल का 3D शेप होता है और क्यूब स्क्वायर का। तो जो नीचे का पार्ट होगा, देखिए दोस्तों, नीचे का पार्ट आपको रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो इसका क्या करेंगे, एक बार हम एरिया ऑफ बॉटम पार्ट, मतलब एरिया बॉटम पार्ट क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यही क्वेश्चन देख लीजिए आप, एरिया बॉटम पार्ट क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है दोस्तों, प्लस कहा है कि चारों तरफ का। तो अब ये चारों तरफ का जो होगा ना, ये हमारा हो गया CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो क्या दे रखा है, क्यूबॉइड का निकालना है। तो जो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है दोस्तों, वो होता है 2HL+3, ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारा निकल जाएगा। आपको डायरेक्ट नहीं कहा होगा कि CSA निकालिए, TSA निकालिए, ये हमने क्यूबॉइड का निकाला है, आप बताएंगे अभी CSA क्या होता है और TSA क्या होता है। एक बार इसका प्लस कर दीजिएगा, अगर ये चारों तरफ का ही होता है, वर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, समझ गए। चलिए अगले शेप की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगली शेप हमारे पास है क्यूबॉइड, और मैंने आपको जो इससे पहले क्यूब हमने जो शेप दिया था उसका मतलब आपको एग्जांपल बताना भूल गया था कि कौन कौन से शेप होते हैं। आपने रूबिक क्यूब देखा होगा, रूबिक क्यूब नाम से पता चल रहा है क्यूब है। और आपने जैसे आप क्यूबॉइड का एग्जांपल देख लीजिए, तो ये बॉक्स हो गया, देखिए दोस्तों क्यूबॉइड का एग्जांपल, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होंगी, समझ गए। वहाँ क्यूब में क्या होता है, तीनों बराबर होंगी। आप ये जो ये है, ये भी है हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है सॉरी, ये हमारा क्या है, 3D है और क्यूबॉइड है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे समझे, तो समझ गए होंगे आप लोग, इसी का मैंने एग्जाम्पल बताया था। अगर आपसे बोल दे कि टोटल एरिया निकालिए दोनों ऊपर नीचे दोनों का और चारों तरफ का, तो हम TSA लगा देंगे। अगर लेकिन जब आपसे बोले कि ऊपर का जो माला है खाली, ऊपर से खाली है, मतलब देखिए ऊपर से ये खुला हुआ है, तो उसका एरिया तो निकलेगा ही नहीं, ऊपर खुला है, तो हम क्या करेंगे, इस CSA निकाल पहले लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया और इस अपोन में बॉटम का एरिया, पर दोनों को जोड़ देंगे, अपोन मतलब नीचे का, दोनों को जोड़ देंगे, एक बार CSA निकाल के और एक बार बॉटम एरिया का निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए, चलिए क्यूबॉइड पे आते हैं। क्यूबॉइड दोस्तों रेक्टेंगल का 3D शेप होता है, कैसे पता चला, अब हर फेस देखिए, ये फेस देखिए, ये फेस देखिए, ये देखिए रेक्टेंगल है। चलिए दोस्तों CSA बात करते हैं, फुल फॉर्म पूरा नहीं लिखा मैंने, CSA LSA इससे पहले लिख चुका था। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया, दोनों एक ही बात होता है। तो क्या होता है दोस्तों, 2H ब्रैकेट में L+B, H हाइट, L लेंथ, B ब्रेथ, तीनों अलग अलग होंगे, बराबर भी हो सकते हैं क्यूबॉइड में। TSA 2 ब्रैकेट में LB लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। वॉल्यूम क्या होता है, तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। चलिए अगले शेप की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला शेप हमारे पास है साइलेंडर, एग्जाम्पल आपको पता ही होगा घर में जो सिलेंडर होता है। चलिए बात करते हैं CSA LSA की, लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया की, वो होता है दोस्तों 2πRH, H हाइट। और सिलेंडर में क्या होता है दोस्तों, जो ऊपर और नीचे वाले पार्ट होते हैं ना, वो सर्कल होते हैं, अपर पार्ट नीचे और बॉटम पार्ट सर्कल होते हैं दोस्तों, समझ गए। तो यहाँ पे दो सर्कल हो गए और एक CSA पूरा।
टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं 2πr+h। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया आया कैसे। सीए से तो आपको याद करना होगा कि चारों तरफ का एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया हम निकाल भी सकते हैं अपने आप, जैसे हम सिलेंडर के जरिए निकालते हैं। इससे पहले मैंने नहीं बताया आपको, तो सिलेंडर के जरिए निकालते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर का देखिए सीए से, सीए से प्लस कर दीजिए दोनों ऊपर के एरिया के, सब पूरे तभी तो सारा एरिया हो जाएगा। जैसे ये हमने क्यूबोर्ड लिया सीए से, अब दो ऊपर नीचे का एरिया ऐड कर दीजिए। तो ऊपर नीचे का एरिया का मतलब क्या होगा, सर्कल है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल है तो 2πr² 2πr² सीए से क्या है इसका 2πrh 2πrh प्लस में 2πr² इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2πr कॉमन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, 2πr सीए से 2πr² ऊपर नीचे दोनों का एरिया, यहाँ पे सॉरी आ रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 2πr कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचा है h, यहां से a का ले ले कॉमन, तो प्लस में r, देखिए सेम आ गई है, समझ गए। ऐसे निकालते हैं। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम दोस्तों इसका होता है πr² h। सर्कल का एरिया इंटू में हाइट कर देना है बस, समझ गए। चलिए अगले शेप की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला शेप हमारे पास है कोन, समझते हैं कोन। एग्जांपल देखिए आइसक्रीम, आइसक्रीम देखा कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी आपने। उसके बाद बर्थडे में जो आप कैप लगाते हैं वो भी कोन शेप का होता है। चलिए बात करते हैं सीए से और कर्व सरफेस एरिया की, वो होता है दोस्तों पाई आर एल। एल आपके लिए नई वर्ड आई होगी, एल मतलब स्लैंट हाइट होता है दोस्तों। ये जो तिरछी हाइट होती है, स्लैंट हाइट को हम तिरछी हाइट ही बोलते हैं। ये वाली जो हाइट है, ये जो हाइट है इसको हम दोस्तों स्लैंट हाइट बोलते हैं। और कभी कभी ये आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, तो ये निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों। देखिए अगर इसको आप सही से देखें तो ये राइट ट्रायंगल एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, मतलब एल हाइपोटेनियस हो गया। तो एल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, ये रेडियस यहां से यहां तक आर स्क्वायर प्लस में हाइट दे रखा होगा, एक चीज दे रखी होगी आपको, इन तीनों में से दो चीज दे रखी होगी, एक चीज आपको निकाल के खुद सॉल्व कर लेना है। टोटल सरफेस एरिया आपको मैंने बताया था वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल अपॉन में, यहाँ पे एक ही सर्कल है, बॉटम में सर्कल होता है दोस्तों। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो पाई आर एल प्लस आर, समझ गए। अब वॉल्यूम बात करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन की वॉल्यूम हो गई दोस्तों। मेन यही तीन चीज है। और यहाँ पर स्लैंट, इसमें यही जानना था कि स्लैंट हाइट क्या होती है, तिरछी हाइट, और जो सीधी हाइट है उसको हम हाइट ही बोलते हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ एक ही सर्कल होता है, एक ही वृत्त होता है, वो भी बॉटम पे, समझ गए दोस्तों। चलिए अगले कोण की तरफ, अगले शेप की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट शेप पढ़ लेते हैं, 9th और 10th, स्पेयर। स्पेयर और हेमी स्पेयर, हिंदी में गोला और हेमी स्पेयर को अर्ध गोला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर देख लीजिए दोस्तों, 4πr², ये भी 3D शेप होता है सर्कल का। वॉल्यूम 4/3πr³। हेमी स्पेयर का सरफेस एरिया देख लीजिए दोस्तों, 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr², वॉल्यूम 2/3πr³। तो ये जो 10 शेप थे, ये मेन इंपॉर्टेंट शेप थे दोस्तों। बाकी शेप तो बहुत सारे होते हैं, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, अलग अलग, पेंटागन, हेक्सागन, लेकिन ये जो 3D शेप्स थे बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, जिसका हमने आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना बताया। और अगले वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इन सब फॉर्मूलों को आपको याद करना बहुत जरूरी है, हर
क्लास के लिए, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल में भी आता है दोस्तों, और 10th में तो बहुत यूज है इसका। एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 13 10th में, सरफेस एरिया का। सो धन्यवाद, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिए। धन्यवाद।